Primary School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Mr. Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. Bharat Mata Ki! बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष का पद हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद हो, जिले का अध्यक्ष का पद हो, मंडल के अध्यक्ष का पद हो, बूथ अध्यक्ष का पद हो, यहां माने सम्मानित पत्रकार बंधु भी हैं, यहां सभी विधायक हैं और सभी लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, बूथ अध्यक्ष का पद हो, मंडल अध्यक्ष का पद हो, सेक्टर के संयोजक का पद हो, जिले अध्यक्ष का पद हो और प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, एक केवल पद सुख का नहीं है, ये पद केवल तप का है, तपस्या का पद है मित्रों, ये कोई सम्मान का पद नहीं है, ये अहंकार का पद नहीं है, ये टांग पर टांग रखकर बात करने का पद नहीं है। जो भी राज्य के अंदर बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, सेक्टर संयोजक है, सेक्टर का प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, क्षेत्र अध्यक्ष है, क्षेत्रीय प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये सभी कार्यकर्ताओं के सुख के पद के लिए है, स्वयं के सुख का ये पद नहीं है मित्रों, इसलिए पद लोगों को मिलता है और दिया जाता है। इसका व्यक्तिगत, क्योंकि गौरवशाली इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों ने जीवन खपा दिया है, लोगों ने काम करते करते जीवन इस राष्ट्रवाद के चरणों में अपना जीवन खपा दिया है, गौरवशाली इतिहास है मित्रों। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कौन नहीं जानता है, आज कश्मीर है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है मित्रों, बाबा अमरनाथ का यात्रा है तो केवल पंडित केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वैष्णो माता का यात्रा है तो केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण मित्रों, नहीं तो परमिट और वीजा लेकर जाते आप, केवल उनके लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन नहीं जानता राष्ट्र ऋषि को, राजनीतिक के क्षेत्र में राष्ट्र ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करने वाला किसी पार्टी के पास धरोहर है मित्रों, और मिल सकता है तो केवल भारतीय जनसंघ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्र ऋषि तुल्य के रूप में काम करते हैं, वह भी नौजवान का। उस नौजवान की हत्या इसी मुगलसराय स्टेशन पर हुई थी मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में ही मार्ग ढूंढना पड़ेगा। वह तारे कौन थे? काशी विश्वनाथ से लेकर शाकुंभरी मैया तक और गोवर्धन से लेकर मित्रों चित्रकूट धाम तक, यही तो कार्यकर्ता हैं जिनके रोशनी में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके नहीं, टिके नहीं, थके नहीं, रात दिन काम करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों, और आपके बदौलत प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनते ही देश के अंदर पहली बार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई, काशी से बंगाल कोलकाता तक, काशी से बॉम्बे तक, यदि पहली बार देश में किसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया मित्रों। यही नहीं, पहली बार नेहरू से राजीव गांधी तक सम्मान किसी को मिला राष्ट्रवाद देश में मित्रों, जो सेना के नौजवान शहादत हो जाती थी लेकिन परिवार के लिए, परिवार के संस्कार के लिए 100 भी नहीं मिलता था मित्रों, पहला देश का प्रधानमंत्री जो संस्कार के लिए सेना पर शहादत देने वाला जवान। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी, एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। परिवार को संस्कार करने के लिए और 30 लाख का चेक पेट्रोल पंप की किसी ने व्यवस्था किया मित्रों, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था मित्रों, बाकी कोई नहीं करवाया। उस पार्टी के हम लोग सदस्य मित्रों, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेता हैं। लेकिन सोनिया ने क्या किया मित्रों, नेहरू ने क्या, नेहरू देश के प्रधानमंत्री पहले प्रथम प्रधानमंत्री हुए
उन्होंने कहा कि गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। इंदिरा गांधी जी ने करपात्री महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संतों को मरवाने वाली पहले इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी में हुई थी मित्रों, और वही नहीं रुका, सिखों का भी कत्लेआम किसी ने करवाया तो राजीव गांधी के हाथों में हुआ था। और एक ईमानदार चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, जिसका जीवन राष्ट्र के लिए है, जिसका जीवन भारत माँ के लिए है, जिसका जीवन गरीबों के कल्याण के लिए है, गरीबों के सम्मान के लिए, उस चौकीदार को आप चोर कहते हैं? राहुल गांधी ने आक्रमण किया था मित्रों, और हिंदुस्तान का एक एक नौजवान ने कहा कि मैं चौकीदार हूं। आदरणीय मोदी जी, चाय बेचने वाला, और हिंदुस्तान में जितने भी निर्णय हो रहे हैं मित्रों, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, वंशवाद के लिए नहीं, जातिवाद के लिए नहीं, क्षेत्रवाद के लिए नहीं, व्यक्तिवाद के लिए नहीं, मोदी जी के सभी निर्णय, मोदी जी के सभी निर्णय राष्ट्रवाद के लिए होता है और गरीब के लिए होता है मित्रों। एक भी निर्णय आप उठाकर देख लेना मित्रों, एक भी निर्णय इस राष्ट्र के सम्मान के लिए और एक गरीब के लिए होता है निर्णय मित्रों, उठाकर देख लेना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कौन प्रधानमंत्री आवास देगा मित्रों? गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित, इनको प्रधानमंत्री आवास, ये गरीब हित यानी राष्ट्र हित है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान सम्मान भरपेट भोजन नहीं मिलेगा मित्रों तो देश का विकास नहीं हो सकता है, देश का नाम नहीं हो सकता है। शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि मित्रों, एक बिस्वा भी जमीन जिसके पास है वो किसके पास है एक बिस्वा जमीन? दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अगड़ा, जो गरीब है मित्रों, जो किसान सम्मान निधि राष्ट्र हित में है, गरीब के हित में मित्रों। और सभी निर्णय, सभी निर्णय मित्रों 370-35 से समाप्त करना कोई मामूली बात है मित्रों? बॉम्बे के अंदर आतंकवादी आकर बम पटक जाते थे, जौनपुर में स्टेशन ट्रेन में बम पटक जाते थे, बॉम्बे में बम पटक जाते थे। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री मिलो, किसी की हैसियत हुई कि बम पटक जाए काशी में? कोई कह सकता है मित्रों किसी की हैसियत हुई? तो ऐसे समाप्त कर देंगे? इसलिए सभी निर्णय राष्ट्र हित में मित्रों। और राज्य के अंदर, राज्य के अंदर 15 सालों तक सपा बसपा ने लूटा मित्रों, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, गुंडागर्दी किया। लोग कहते थे केवल लूट खसोट के अलावा कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। देश के अंदर एक गरीब व्यक्ति जन्म लिया और परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा मित्रों। आदरणीय मोदी जी का जीवन गरीबों के लिए। इसी तरह राज्य के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं मित्रों, जो लूट नहीं सकता है राज्य को। सपा बसपा में पूरा खानदान मिलकर राज्य को लूटा। कानून व्यवस्था, सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। कोई थी राज्य में कानून व्यवस्था? माननीय योगी जी का कानून व्यवस्था मित्रों, 2019 का चुनाव हुआ, एक दंगा नहीं हुआ देश में। मुहर्रम मना राज्य में, एक दंगा नहीं हुआ। कावड़ियों का यात्रा निकला राज्य के पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कावड़ियों ने फूलों की वर्षा, हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर से पहली बार राज्य के अंदर हुआ मित्रों। इतना बड़ा कुंभ, एक दुर्घटना नहीं। यह है कानून का राज। सुनिया, सपा बसपा फंडिंग करके लखनऊ के सड़कों पर, कुछ और के सड़कों पर, शहर के आपने दंगा कराया,
आपने फसाद कराया, आपने टेम्पो चालक को जला दिया, रिक्शा चालक को जला दिया, गरीब फुटपाथ को जला दिया। आप क्या चाहते हैं सपा वाले, आप क्या चाहते हैं मायावती जी? आपका लक्ष्य क्या है कांग्रेस का? कि उत्तर प्रदेश को आग में झोंक दो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी नाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 3 दिन के अंदर हिंसा फैलाने वाले, हिंसा करने वाले, 3 दिन के अंदर यहां अधिकारियों की टीम कंट्रोल कर लिया मित्रों, फिर बाकी किसी शहरों में एक भी पत्ता नहीं हिला, न हिलेगा, क्योंकि मुस्लिम नौजवान भी सहयोग किया, वह समझ गया सीएए क्या है। सभी धर्म गुरुओं मुसलमान के समझे कि सीएए क्या है, यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो दलित शोषित वंचित हैं, जो गरीब हैं, नरकी जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती है, उसके जीवन को खुशहाली के लिए आदरणीय मोदी जी का निर्णय, अमित शाह जी का निर्णय है मित्रों, बाकी कोई नहीं, किसी को बाहर निकालने का निर्णय नहीं है। इसलिए मित्रों आपसे बस निवेदन कर रहा हूं, अंतिम बात, हम सब भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता होंगे, व्यक्तिगत जीवन में हम सब माननीय विधायक जी होंगे, माननीय सांसद गण होंगे, लोग होंगे, पार्टी के बहुत नेता होते हैं, किसी नेता के द्वारा किसी कार्यकर्ता का अपमान हो सकता है, बाई चांस कोई वाणी से खराब बोल दिया कमी हो सकता है, लेकिन मित्रों सोतन जी से बुराई हो सकती है, जिला अध्यक्ष से बुराई हो सकती है, मंडल अध्यक्ष के व्यवहार के कारण भी बुराई हो सकती है, विधायक सांसद के कारण बुराई हो सकती। मित्रों व्यक्ति से नाराज हो जाना, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भाजपा से कभी मत बुराई करना मित्रों। भाजपा ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, देश में ऐसी पार्टी है मित्रों, गौरवशाली इतिहास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी मित्रों, दुनिया के किसी तराजू में बैठा देना और हिंदुस्तान के नेता बैठा देना, इनका जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए है, तब तपस्या, जरूरत पड़ा तो बलिदान भी देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम लोग लूटने नहीं आए मित्रों, हम गरीबों का सेवा करने आए हैं, इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज मत होना मित्रों, आप सभी कार्यकर्ताओं के। और अंतिम बात, यहां सभी माताएं बहने बैठी हैं, भाई भाई एक एक विश्वा के लिए कभी लड़ जाता है, ये किस चीज के एक एक विश्वा भाई? गांव में एक विश्वा के लिए लाठी निकाल लेते हैं, पत्नी पर कभी हाथ मत उठाना, बेटियों पर कभी हाथ मत उठाना, बूढ़े मां बाप की सेवा करना मित्रों, इनके चरणों में कभी कभी बैठ जाना, यही स्वर्ग का रास्ता, यही सम्मान का रास्ता है मित्रों। आप सबका मैं हृदय से प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आप सबका प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।